हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा प्लान है वो 17 फिट, भाई 70 फिट का प्लान है। लेकिन ये जो हमारा प्लॉट है ये शेरमुखी प्लॉट है, तो इसका जो फ्रंट है वो अपना 26 फिट है और इसका जो बैक है वो 17 फिट है। तो डियर फ्रेंड्स, शेरमुखी प्लॉट को किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार उसमें नक्शा बनाएं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऊपर दिए हुए किसी भी नंबर पर। ये आप देखेंगे, ये अपना रोड है, यहाँ से एंट्री है, 9 फिट का एंट्री गेट है। सामने पर पार्किंग स्पेस है और स्टेयरकेस है, यहाँ से स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा फ्रंट पर ये 4 फिट का ओपन स्पेस छोड़ रखा है। जितना एरिया हमारा शेरमुखी आ रहा था उस एरिया में हमने खाली छोड़ दिया है, मतलब यहाँ हम अपना गार्डन वगैरह बना सकते हैं। इस खाली एरिया से भी एक एंट्री हमने दे रखा है घर में जाने के लिए, यहाँ से आप जाएंगे यहाँ, ये पूरा आप प्लांट लगा सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं। और एक एंट्री आपको यहाँ से मिल जाता है पार्किंग स्पेस से ही घर में अंदर जाने के लिए। एंट्री करते हैं तो फ्रंट पर ये अपना किचन है, 6 फिट 6 इंच बाई 12 फिट का, यहाँ इसका विंडो रहेगा और ये इसका प्लेटफॉर्म। यहाँ ये अपना ड्राइंग और डाइनिंग लॉबी एरिया, 15 फिट 10 इंच बाई 11 फिट 4 इंच का, ये डाइनिंग टेबल और यहाँ अपना सोफ़ा वगैरह आप लगा सकते हैं। ये पूरा पैसेज है 3.5 फिट चौड़ा। यहाँ से एंट्री अपने बेडरूम में, ये अपना 11 फिट 8 इंच बाई 12 फिट का बेडरूम, ये अलमीरा और ये टीवी यूनिट। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ ओटीएस और यहाँ एक टॉयलेट 7 फिट बाई 5 फिट का। और सबसे लास्ट में बेडरूम 15 फिट 6 इंच बाई 11 फिट का, ये अलमीरा, ये बेड की पोजीशन, यहाँ टीवी यूनिट। बेडरूम के पीछे भी 4 फिट का अपना ओपन रियर यार्ड है जिससे बेडरूम का वेंटिलेशन रहे, यहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह आसानी से रख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये प्लान अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, चाहे आपका प्लॉट गौमुखी है, शेरमुखी है, वास्तु के अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऊपर दिए हुए किसी भी नंबर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।